नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल में दलित युवक से लव मैरिज करने पर ओबीसी कास्ट की एक नर्सिंग की छात्रा को उसके ही पिता ने नर्मदा में स्नान कराकर शुद्धिकरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑनर किलिंग के डर से जोड़े ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। मामला जिले के चौपाना थाना क्षेत्र का है। लड़की ने पुलिस को अपने पिता समेत परिवार वालों से बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने पिता समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं युवती का आरोप है कि पिता ने 18 अगस्त को उसे नर्मदा नदी पर ले जाकर चार लोगों के सामने अर्धनग्न कर शुद्धिकरण करवाया, नदी में डुबकी लगवाई, उसे झूठी पूड़ी खिलवाई गई, बाल काटे गए और शरीर पर पहने कपड़े वहीं फेंकवा दिए गए। ऐसा दलित युवक के साथ शादी करने के बाद शुद्धिकरण के लिए किया गया। अब उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पति को तलाक देकर किसी सजातीय से शादी कर ले। उसने मामले में पुलिस पर भी उसके पिता से मिले होने का आरोप लगाया है, जबकि उसके पति ने उनकी ऑनर किलिंग करवाए जाने की आशंका जताई है। पति अमित अहिरवाल का कहना है कि शादी के बाद साक्षी के पिताजी लगातार मेरे घर आए, फिर उन्होंने मेरे घर पुलिस भेजी और मेरे को बिना बताए मेरी पत्नी को अपने घर ले गए। मेरी पत्नी हॉस्टल से भागकर मेरे घर आई। आज हमने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि पति के परिवार वाले हमें साथ में नहीं रहने देना चाहते हैं और धमकी दे रहे हैं कि साथ में रहोगे तो मार डालेंगे। युवती का कहना है कि शादी के बाद से ही उसके मायके पक्ष से जान से मारने की धमकी मिल रही है। शादी के बाद उसके पिता ने 10 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चौपाना थाने में दर्ज करवाई, जिस पर थाने के 3 पुलिसकर्मी उससे जबरदस्ती ससुराल से चौपाना थाने के ले आए थे, जहां उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर मायके छुड़वा दिया गया था। आपको बता दें कि शादी के बाद उसने SP थाना प्रभारी कोतवाली बैतूल को परिवार वालों के खिलाफ एक लिखित आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवती का ये भी कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ मेरा मौलिक अधिकार है, जिसके तहत पसंद का अधिकार भी मेरा मौलिक अधिकार है। मैंने समाज की रूढ़िवादी जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शादी की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।